okay so we are live right now let me know in the comment section how many of you have joined okay yeah. good evening bhavna has joined here okay लेक्चर नंबर फाइव को आज हम डिस्कस करेंगे और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो देख लेते हैं दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज प्रिंस लूथरा ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी फ्राम यू पी सी एस सी टू आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा बेसिकली हम मोरन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे मोरन डानेस्टी के बारे में जानेंगे जाने चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसरा अशोका ये जो हमारे रूलर्स थे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कलिंगा के इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे कि अशोका के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ कलिंगा वॉर का देन अशोका बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे एंड देन यहाँ पे मोरन एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटोरियल एक्सपेंशन मोरन इकोनॉमी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर अनुराग भी ज्वाइन कर चुके हैं गुड इवनिंग काफी से स्टूडेंट्स ने कहा था बिकॉज लास्ट ईयर में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जॉइन किया था टू हंड्रेड डेज और टू हंड्रेड डेज के अलावा मिशन यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की सीरीज टू चेंज द टाइम और अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने चेंज करने के लिए कहा था नहीं ज्वाइन किया है आ, भावना आपने रिक्वेस्ट करी थी तो उसको लेकर वी आर प्लानिंग जैसे कुछ होता है मैं आपको अपडेट करूंगा आई अंडरस्टैंड कि आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है एजुकेशन की वजह से बट स्टिल आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड लेट्स सी कि उसका क्या सोल्यूशन निकलता है यहाँ पर हम मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन मोरन काल के अंदर इकोनॉमी कैसी थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था टेरिटोरियल एक्सपेंशन सोसाइटी किस तरीके से थी और फाइनली आखिर मॉरन एम्पायर का डिक्लाइन अगर हुआ तो हुआ क्यों वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं चलिए जल्दी से एक बार हम लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर आपको जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको रिकॉल जरूर करना है प्री मॉरन पीरियड के बारे में पढ़ा था बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई थी प्री मॉरन पीरियड के टाइम में बताइए यहाँ पर क्या क्या देखा था हमने सिक्स टू फोर्थ सेंचुरी बीसी का ये था यहां पर जनपद आपके निकल कर आ रहे थे और जनपद क्या थी आपके किंगडम्स थी ठीक है और यहां पर हमने यह भी जाना था कि ये वही टाइम था जब लोगों का जो रुझान था और जो लोयलिटी थी वो ट्राइब्स जिसको कि विज कहा जाता था वहां से शिफ्ट होकर किसकी तरफ आ रही थी जनपद की तरफ आ रही थी ठीक थी. है बुद्धिस्ट एक बुक थी जिसका नाम था अंगुतारा निकाय याद करिए अंगूतारा निकाय उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक है इसके अंदर भी किंगडम्स के बारे में मेंशन में किया गया था ठीक है चलिए राजेंद्र भी ज्वाइन कर चुके हैं और क्या चीजें डिस्कस करी थी राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड किंग आखिर क्यों इसी रीजन में डेवलपमेंट हुआ जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि मगध एम्पायर का राइज हुआ वो इसी रीजन में आखिरकार क्यों हुआ ये बताइए क्या ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपको इसी एरिया के अंदर डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है बताइए क्या लगता है आपको कुछ चार पांच फैक्टर बताए थे यस एक तो था गेंजेटिक बेसिन वाला पॉइंट ठीक है गंगा बेसिन थी जैसे अनुराग ने लिखा यहां पर आयरन डिपॉजिट्स आपको मिल जाते हैं साथ ही साथ ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर काफी अच्छे से हो रहा था हमने देखा अलग अलग डायनेस्टीज आती है यहाँ पर आपकी हरियंका डायनेस्टी आती है हरियंका डायनेस्टी के अंदर आपको कौन कौन से किंग्स दिखाई देते हैं बताइए बिंबसरा से हमने शुरुआत करी थी इसके अलावा क्या पढ़ा था बिम्बसरा के बाद एक और किंग आते हैं जिनका नाम है अजात शत्रु फिर हमने उडायन के बारे में भी डिस्कशन किया था ठीक है इसके बाद क्या डिस्कशन हुआ था इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है उडायन के बाद याद करिए बाऊ के बाद कौन आया था शिशुनाग डायनेस्टी ठीक है बाउ भावना ने करेक्ट आंसर किया है बिल्कुल ठीक है और यहां पर नेक्स्ट आपकी डायनेस्टी थी शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी में क्या पढ़ा था हमने बताइए यहां पर जो डेवलपमेंट है इनका ज्यादा नहीं हो पाया कुछ ही टाइम तक इन्होंने रूल किया उसके बाद ये रूल नहीं कर पाए और यहां पर इनको रिप्लेस किया एक और डायनेस्टी जिनका नाम था नंदा डायनेस्टी जो कि लंबे समय तक के लिए यहां पर रही पहले आए महापद्म नंदा और उनके बाद उनके भाई धनानंद धनानंद डायनेस्टी को कौन रिप्लेस करेगा बताए देम धनानंद डायनेस्टी को कौन रिप्लेस करेगा शिशुनाग करेक्ट आंसर दिया है भावना ने दे नंदा अनुराग ने लिखा है बिल्कुल ठीक है इनके बाद आएंगे मोरियंस ठीक है क्योंकि उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर चलिए फिर यहां पर हमने मोरन डायनेस्टी जो है उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे जो कि फाइनली यहां पर आती है हमने यहां पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जानने की कोशिश करी कि देखिए मोरन और प्री मोरन टाइम में क्या था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा था पहले क्या होता था छोटी छोटी ट्राइब्स रूल किया करती थी और ये हंटर गैद हुआ करते थे लेकिन पहली बार हमें देखने को मिला काफी बड़े लेवल पर एक ही व्यक्ति का रूल जो था वो यहां पर देखने को मिल रहा था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देखा बाटर सिस्टम रिप्लेस किया जा चुका था और यहां पर टैक्सेस क्या लोगों के ऊपर लगाए जा रहे थे या नहीं यस और नो क्या आंसर देंगे आप क्या लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे बताइए आंसर इज यस बिल्कुल ठीक आंसर दिया है यहां पे राजेंद्र ने भी करेक्ट आंसर किया है चलिए यहां पे टैक्सेस थे जैसे कि कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो क्या करेगा अपना जितना प्रोडक्शन है उसका एक पार्ट जो है वो यहां पर स्टेट को दे देगा सर्विस वाला क्या करेगा जैसे कोई रथ बनाने वाला है चैरियट बनाने वाला है तो वो क्या करेगा मान लीजिए दस चैरियट वो अपने लिए बना रहा है तो दो वो राजा के लिए भी बनाएगा इन दस को तो वो सेल कर देगा ये जो दो होंगे वो फ्री में करेगा जैसे कि अभी भी क्या होता है अगर आप हम बारह महीने सैलरी कमाते हैं तो देखा जाए तो सैलरी तो हमें दस महीने की मिलती है दो महीने तो टैक्स में ही चला जाता है तो दो महीने हम किसके लिए काम कर रहे हैं देखा जाए तो वो हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं वैसे हम इसको इस तरीके से नहीं देखते हम तो यही देखते हैं कि हर महीने हमारा जो टीडीएस कटता है लेकिन देखा जाए तो है क्या वो आपके 12 महीने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं 10 महीने आप जो काम करते हैं वो पैसा आप घर लेके जाते हैं और रिमेनिंग दो महीने जो काम करते हैं वो पैसा आप सरकार के लिए काम करते हैं वो दो महीने का पैसा जो है वो सरकार ले जाती है मींस आप वो काम फ्री में करते हैं देखा जाए तो ठीक है और फिर इन दस महीने के ऊपर भी जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं खैर यहां से आगे बढ़ते हैं फिर हमने ट्रेड सेंटर्स लोकेशन जो थी वो देखी सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में भी डिस्कशन यहां पर किया बकवास सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था रीजन डेवलप कैसे वो देखा हमने न्यूमिजमेटिक आर्ट पोट्री के बारे में भी डिस्कशन करते हुए हम एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन के ऊपर आए थे फिर हेट्रोडक्स रिलीजन के बारे में डिस्कशन किया नए नए रिलीजन क्यों आए थे कौन परेशान था ब्राह्मणिज्म से बताइए कौन यहां पर परेशान था ब्राह्मणिज्म से सोनू भी ज्वाइन कर चुके हैं यहां पर कौन आखिर परेशान हो गया था ब्राह्मणिज्म से अलग अलग लोगों के अलग-अलग रीजन थे अगर आपको याद हो तो यहां पे, ओके, ट्रेडर्स लिखा है भावना ने अनुराग ने लिखा है वैश्या शुद्रा परेशान हो गए थे बिल्कुल ठीक है यहां पर देखा जाए तो फार्मर्स भी परेशान थे क्यों क्योंकि उनको सेक्रीफा नहीं करने थे रिचुअलिज्म काफी ज्यादा आ गया था डोमिनेशन का बढ़ता जा रहा था वैसे क्लास जो थी वो काफी रिच होती जा रही थी उनके पास जब से ये बाटर सिस्टम हटा था उनके जो टाइम था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था लेकिन कॉमर्स ने उनका टाइम तो चेंज कर दिया लेकिन उनका स्टेटस सोसाइटी के अंदर नहीं इंप्रूव हुआ इसी वजह से वो क्या कर रहे थे ऑल्टरनेटिव रिलीजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ये चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी अभी चलते हैं आज के टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि हम मोरन एम्पायर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि मोरन एम्पायर कैसे बनी यहां पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी इनके यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी किस तरीके की थी और फाइनली इनको हटाया किसने इनका एंड कैसे हुआ चलिए यहां पर मोरन एम्पायर के बारे में डिस्कशन करते हैं सो so, ये जो टाइम पीरियड है मैं आपके नोट्स जो यहाँ बनाता जाऊंगा साइड साँग में 322 BC टू 122 BC ये टाइम पीरियड माना जाता है जब आपकी मोर्यन एम्पायर जो है इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने करी थी कोटिल्या ने आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कोटिल्या को किसने डिसरिस्पेक्ट किया था याद करिए शीपू यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं बताइए कोटिल्या उर्फ विष्णुगुप्त ए के ए क्या नाम था चाणक्या ठीक है किसी भी नाम से आप जान सकते हैं कोटिल्या कह लीजिए ए के ए चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए इनको डिसरिस्पेक्ट किया गया था धनानंद के द्वारा और वहीं पे इन्होंने सोच लिया था कि मैं ये जो नंदा डेनेस्टी खत्म करूंगा और यहां पर चंद्रगुप्त को इन्होंने ट्रेन किया था और इसके बाद क्या हुआ नंदा डेनेस्टी जो थी उनको डिफीट का सामना करना पड़ता है उनको हटा दिया जाता है और यहां पर नई डायनेस्टी कौन सी आ जाती है आपकी मोर डायनेस्टी ठीक है चलिए देखते हैं बैकग्राउंड वैसे मैं आपको बता चुका हूं बिफोर द मोरियन एम्पायर नंदा एम्पायर यहां पर हुआ करती थी और नंदा एम्पायर जो थी क्या वो सक्सेसफुल एम्पायर थी जो रूलर्स थे क्या वो सक्सेसफुल थे याद करिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था नंदा एम्पायर रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट नंदा एम्पायर काफी लार्ज थी मिलिटरिस्टिक थी इकोनॉमिकली पावरफुल थी और यहां पर इट वॉज अ डोमिनेटिंग महाजनपद तो सक्सेसफुल तो अपने आप थी मैंने आपको बताया था इट इज नॉट नेसेसरी समबड़ी टू बी रिस्पेक्टफुल कोई व्यक्ति हो सकता है रिस्पेक्टफुल ना हो लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है ही इज स्किलफुल ठीक है स्किलफुल है या फिर वो सक्सेसफुल है क्योंकि सक्सेसफुल का और रिस्पेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है देर इज नो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप कोई व्यक्ति रिस्पेक्टफुल हो भी सकता है और उसके साथ सक्सेसफुल भी हो सकता है और कोई व्यक्ति रिस्पेक्टफुल ना होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो सकता है अब यहां पर जब ये टाइम चल रहा था जब धनानंद या फिर नंदाड़न रूल कर रही थी एलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज लीडिंग इज इंडियन कैंपेन्स वो पंजाब के आसपास अपने कैंपेन चलाया करते थे एलेक्सेंडर ठीक है यहां पर मोरियन एम्पायर जब एस्टैब्लिश होती है इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ग्रेटर पंजाब रीजन अंडर द लीडरशिप चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मेंटोर थे चाणक्य और यहां पर धीरे धीरे वो क्या करेंगे जो अलेक्जेंडर है अलेक्जेंडर की डेथ होगी उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है ना वहां पर मोरन डायनेस्टी को काफी हेल्प मिलेगी देखिए अगर मैं बताऊं आपको ये कुछ इस तरीके का मैप है मैं इसको थोड़ा सा रफली ही ड्रॉ कर रहा हूं सो ठीक है मान लीजिए आपका इंडिया है और यहां पर आपकी मॉरेन डाइनेस्टी जो है वो रहेगी अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इस रीजन में रहा करती थी और जब अलेक्सेंडर की डेथ हुई तो ये एरिया जो था वो अपने आप वीक होना शुरू हो गया ठीक है और ये एरिया भी जो था वो भी आपकी मॉरेन डेनेस्टी जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा तो पहले तो दनानंद को हटाया गया और उसके बाद अलेक्जेंडर का जो रीजन था वो भी यहां पर टेक ओवर किया गया नाउ इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो important rulers के अंदर कौन आएगा बताइए? उल्टी उल्टी एबीसी लिखिएगा आपने movies में देखा होगा कई बार होता है ना पुलिस पकड़ती है तो क्या कहती है जब भी किसी पे शक होता है कि आपने आ, कोई एल्कोहल तो कंज्यूम नहीं किया वो क्या करते हैं चलिए उल्टी एबीसी सुनाइए तो यहां पर आपको उल्टी एबीसी है सीबीए बताएं Disrespectful में भावना ने लिखे नेबर ओके ठीक है यहां पर बताइए सीबीए का क्या मतलब है हम मोरेन डेने की बात कर रहे हैं यहां पर सी स्टैंड फॉर चंद्रगुप्त उनके बाद नेक्स्ट आएंगे बिंदुसरा और फिर आएंगे अशोका द ग्रेट ठीक है मोरियन एंपायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इससे पहले क्या था इससे पहले अगर हम बात करें पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट हंड्रेड छोटी छोटी किंगडम्स के अंदर बटा हुआ था लेकिन जैसे जैसी मौर्य शुरू हो जाता है और आपको यहां पर दिखाई देगा पहली बार आपको वो जो इंडिया का मैप बनता हुआ है ना वो यहां पर दिखाई देगा क्योंकि छोटी बड़ी सारी किंगडम्स को एक ही बारी में इंटीग्रेट इनके द्वारा कर लिया गया था ठीक है ना चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं थ्री ट्वेंटी टू बीसी एट बीसी यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया धनानंद जैसे महान रूलर को उनकी सीट से हटाया इस वजह से जाने जानते और आफ्टर द दे डेथ ऑफ एलेक्सेंडर द ग्रेट जो कि 323 ट्वेंटी के अंदर हुई थी उसके बाद इनको मौका मिलता है कि इंडस वैली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर भी इंडस वैली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर भी ये क्या करेंगे अपना इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ एक कंट्री और है पाकिस्तान के बिल्कुल साथ लगती हुई कंट्री का नाम बताइए मुझे सोनू करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहां पर भावना ने भी करेक्ट आंसर किया सी एक की फुल फॉर्म लिख दिए पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री टच होती है देखिए ये आपका इंडिया है ठीक है ये पाकिस्तान है एंड दिस इज बलूचिस्तान ठीक है आई एम इंटेंशनली कॉलिंग इट एज सेपरेट कंट्री यू नो द रीजन वाई ठीक है चलिए यहां पर जो बलूचिस्तान का रीजन था वो भी किसके अंदर आता था कंबोज का जो रीजन है गांधार जो रीजन है आपका अफगानिस्तान वाला बलूचिस्तान जो रीजन है वो भी किसके अंतर्गत आता था वो भी उस वक्त में मोरियन डेनेस्टी के अंदर आता था ठीक है ध्यान रखिएगा ये चीज के बारे में नाउ यहां पर होता क्या है चंद्रगुप्त मौर्य जो है काफी सक्सेसफुल रूलर रहते हैं और यहां पर पाटलिपुत्र को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ऐसा माना जाता है कि यहां पर इनकी जो कैपिटल थी इनका जो रीजन था उसमें पांच सौ सत्तर टावर थे चौसठ गेट्स, गेट्स वर देयर तो काफी पावरफुल काफी सक्सेसफुल रूलर ये माने गए लेकिन एंड में हुआ क्या एंड में इन्होंने सब कुछ छोड़ा जैनिज्म को यहां पर अपना लिया ठीक है तो क्या करते हैं बेसिकली जो एक असेटिक की लाइफ होती है ना वो जीने के लिए जैनिज्म जो है उसको अपनाते हैं और जो अपना तख्त तो होता है जो इनका पूरा आ, पूरा एम्परशिप थी वो यहां पर छोड़ देते हैं ये ध्यान रखिएगा मैगस्थीनीस जो है वो इन्हीं के टाइम पे पाटलिपुत्र विजिट करते हैं आप जानते हैं उस वक्त फॉरेन ट्रैवलर्स काफी आया करते थे तो फॉरेन ट्रैवलर्स मैगस्थीनीस जो थे वो चंद्रगुप्त के टाइम पर ही भारत में आए थे चलिए अब इनको बनाने वाले एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चाणक्य उनके बारे में पढ़ते हैं फिर आगे बिंदुसरा के ऊपर चलेंगे ना यहां पर अगर आप देखेंगे चाणक्य एन एंशियंट इंडियन टीचर फिलोसफर इकोनोमिस्ट भी उनको माना जाता है ज्यूरिस्ट भी उनको माना जाता है तो काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहां पर उनके साथ जुड़ी हुई है उन्हें एक रॉयल एडवाइजर भी माना जाता था और ये माना जाता है कि ये चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य और नेक्स्ट टूलर बिंदुसरा इन दोनों के एडवाइजर रह चुके थे दोनों को एडवाइस क्योंकि रॉयल एडवाइजरी का काम किसका होता था वो यहां पर चाणक्य को दिया गया था तो बेसिकली जैसे अभी भी आप देखेंगे इस टाइम अगर बात करी जाए तो इस टाइम गवर्नमेंट में आपको चाणक्य कौन दिखाई देते हैं जिसका काम एडवाइस करने का है जो पूरा ब्रेन है गवर्नमेंट के अंदर वो कौन है सोच के बताइएगा मुझे खैर यहां पर चलते हैं ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एस कोटिलिया और विष्णुगुप्त तो नाम मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूं ताकि कोई भी नाम आपके सामने आता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चाणक्य है विष्णुगुप्त है कोटिल्या है एक ही बंदे का नाम है और इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र ही रोट अर्थशास्त्र विच इज अ टेक्स्ट डेटेड टू रफली बिटवीन फोर्थ सेंचुरी बीसी एंड थर्ड सेंचुरी बीसी ठीक है ही अ पाइनियर इन द पोलिटिकल साइंस फील्ड तो पोलिटिकल साइंस के ऊपर भी उनकी महारत थी तभी उन्होंने अर्थशास्त्र यहां पर लिखा था इवन यहां पर चंद्रगुप्त को किंग बनाने का काम भी उनके द्वारा किया गया था सो बेसिकली ही ही अ अ किंग किंग मेकर मेकर एज एज वेल वेल नाउ अब चंद्रगुप्त जब छोड़ के जाते हैं सब कुछ कौन आएगा आगे अपने बेटे को ही राज या तख्त संभालने को देंगे चंद्रगुप्त के बाद आते हैं उनके बेटे बिंदुसरा देखिए बिंदुसरा 297 298 बीसी के टाइम पर आते हैं और ग्रीक्स इनको एमिट्रोचेट्स के नाम से जानते थे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है नाउ यहां पर अमित्र का मतलब था बेसिकली स्लेयर ऑफ द फोर्स जो अपने एनिमीज को खत्म कर दे ना चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसरा उन्होंने भी मोरन एम्पायर का एक्सटेंशन करना शुरू किया और यहां पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि दीपवामसा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है क्योंकि यहां पर कैसे हमें पता चलेगा कि बिंदुसरा ने ये काम किया कैसे पता चलेगा कि अशोक ने ये काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया कुछ ना, कुछ ना ना टेक्स्ट तो तो यहां यहां पे बताएंगे ना. तो यहाँ पर दीप वामसा और महावामसा जो है इनके अंदर भी बिंदुसरा का जिक्र किया हुआ है ठीक है और जो आपके जैन टेक्स्ट हैं उसके अंदर भी बिंदुसरा के बारे में काफी सारी चीजें लिखी गई जिससे उन्होंने क्या क्या काम किए वो हमें पता चलता है नाउ मोरन एम्पायर और काफी सारे स्टेट्स को उन्होंने कॉन्कर किया देयर बाय बेओ बेंगोल अरेबियन सी जो हमारा ये बेओ बेंगोल वाला रीजन है यहां से लेकर अरेबियन सी इन्होंने काफी बड़ा एरिया जो था वो कॉन्कर किया था बिंदुसरा डिट कॉन्कर दामिल दा, किंगडम ये जो तमिल किंगडम थी इसको छोड़ दिया था क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन थे बिंदुसरा के तमिल किंगडम्स के साथ ठीक है तो किंगडम्स चोल हो गई, चेरास, यहां पर इनको टेक ओवर नहीं किया लेकिन साउथ इंडियन एम्पायर इन्होंने फाइनली कौन से रिलीजन को अपनाया अपनायाजीविका को क्या मुझे कोई बता सकते है? अजीविका सेक्ट क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो यहां पर ब्राह्मि को भी इन्होंने काफी ज्यादा ग्रांट दिए थे तो ब्राह्मि के या ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में नहीं थे वो हां लेकिन उनको आजीविका सेक ज्यादा पसंद आई इसी वजह से उनको इन्होंने फॉलो किया नाउ आगे चलते हैं आगे आते हैं एक और महान रूलर जो कि हमारे अशोका अशोका के बारे में बताइए दो तीन चीजें याद है तो आपको ओके okay, यहाँ पे अमित शाह और अजीत डोवाल दोनों का नाम आया है अजीत डोभाल और अमित शाह वैसे मेरे हिसाब से दोनों ही नाम करेक्ट है मैं मेरे दिमाग में अमित शाह था बट यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर जो है इज बेसिकली द ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग तो काफी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं और बाकी अगर आप अजीत डोबाल का नाम भी लेंगे तो डिफेंस एरिया के अंदर एटलीस्ट जो हमारा सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है चलिए आते हैं यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं यहाँ पर उनके काफी सारे इंस्क्रिप्शंस की बात करी गई उनके मेजर रॉक एडिक्ट्स भी हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं 39 टोटल माना जाता है तो उन्होंने काफी सारे स्टोन पिलर्स जो थे वो बनवाए और स्टोन पिलर्स के ऊपर उन्होंने धम्म के संदेश लिखवाया धम्म मतलब जो धर्म है उसके यहां पर संदेश लिखवाने शुरू किए बहुत सारी जगह पे जहां पर पिलर्स हैं वहां पर अशोका को अशोका की तरह नहीं बताया गया ठीक है उनको बताया गया है देवनम पियादासी पिया तो मोस्ट ऑफ द पिलर्स के अंदर अशोका को इस तरीके से रेफर किया गया यह भी ध्यान रखेगा इनके पिलर्स जो है जो धर्म के पिलर्स इन्होंने बनाए थे अलग अलग जगहों पे ताकि लोगों तक इनके धर्म का संदेश जो है वो पहुंचे वो इन्होंने इंडिया में तो बनाया इंडिया के अलावा नेपाल कहां कहां पर रूल था मोरियंस का पाकिस्तान अफगानिस्तान यहां पर भी इनके ये संदेश मिल जाएंगे इनके इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा प्रकृत भाषा के अंदर उसे कंपोज किया गया था प्रकृत आम लोगों की भाषा थी ताकि आम लोग भी उसे समझ पाए ठीक है और इनके जो पिलर्स होते थे ना वो वन पीस पिलर होते थे जैसे कि यूरोपियन ग्रीक्स जो थे ना वो किस तरीके के पिलर बनाते थे वो अलग अलग पिलर्स को जोड़कर एक बड़ा पिलर बनाते थे लेकिन इनके यहां पर क्या होता था एक ही पिलर अशोका ने एक ही सिंगल मोनोलिथिक पिलर जो है वो यहां पर बनाते थे अब कलिंगा वॉर होती है और कलिंगा वॉर के अंदर होता है एक हृदय परिवर्तन ठीक है यहां पर इन्होंने कहा जब इन्होंने पूरा ब्लड शेड देखा जो कलिंगा वॉर थी उसके बाद इन्होंने ये चीज समझी कि मुझे वॉर के अंदर जाना ही नहीं है इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट अपनाई ठीक है मतलब इसको कहा जाता है कि बैरी गोशा से वो धाम गोशा की तरफ बढ़े बैरी गोशा में क्या होता है बताता हूं अभी वो बैरी गोशा से धाम गोशा की तरफ बढ़े मतलब पहले लड़ाई के थ्रू वो दूसरों को कॉन्कर करते थे लेकिन अभी धर्म के थ्रू या कल्चरल कॉन्स जो है उसकी तरफ उन्होंने यहां पर ध्यान दिया तभी आप देखेंगे इसके बाद जो अशोका है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ थोड़ा सा कमजोर हो जाता है उनका मेन फोकस जो है ना वो रिलीजियस एरिया में या फिर धमा का संदेश देने में उस साइड पर ज्यादा चला जाता है चलिए इंटरनल पॉलिसी ऑफ अशोका इन बुद्धिज्म क्योंकि यहां पर फाइनली आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने किसको अडॉप्ट किया जैनिज्म को जो बिंदु सर आजीविका सेक्ट जो अशोका है अशोका विल ऑप्ट फॉर बुद्धिज्म ठीक है नाउ इंटरनल पॉलिसी ऑफ अशोका एंड बुद्धिज्म यहां पर जो बुद्धिज्म है वो अपनाने के लिए कौन यहां पर इंफ्लुएंस करता है या मोटिवेट करता है अशोका को कोई बता सकता है मुझे बताइए अशोका जब बुद्धिज्म को अपनाते हैं उसके बाद भी काफी जगहों पर मिशनरीज जो है उनको भेजा जाता है श्रीलंका बर्मा और दूसरी कंट्रीज के अंदर ताकि बुद्धिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया जा सके अलग अलग कंट्रीज में इनके एडिक्ट भी मिलते हैं समझ में आता है कि यहाँ यहाँ पर इन्होंने अपना धर्म का जो संदेश है उसे फैलाया है रोक एडिक्ट इस तरीके के होते थे देखिए ये पूरा आपका पिलर है ठीक है ये आपका स्टोन पिलर है और इसके ऊपर ये धर्म के जो संदेश है वो यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रकृत भाषा के अंदर लिखे गए ये ध्यान रखिएगा नाउ

साउथ इंडियन एंपायर से अच्छे थे और वहां पर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट नहीं करना चाहते थे ध्यान रखिएगा सो so, एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट जो है वो बनाने में मोरियन ने हेल्प करी अगर आप यहां देखें तो इसके बाद इस तरीके का मैप जो आपको दिखाई देगा ना वो मुगल टाइम में दिखाई देगा ठीक है मुगल में भी औरंगजेब के टाइम में उससे पहले इस तरीके का मैप आपको नहीं दिखाई देगा बिकॉज द मोमेंट मोरियन लीव जैसे मोरियन यहां पर हटते हैं यू विल से अगेन जो पूरी एम्पायर है उसका होना शुरू हो जाएगा छोटी छोटी यूनिट्स बननी शुरू हो जाएगी छोटी छोटी पॉलिटिकल वो यहाँ पर चोटी -चोटी का रूप लेना कर देंगे तो ये चीज है स्टेबिलिटी दिखाई देगी, देगी। डेवलपमेंट भी आपको दिखाई देगा ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छे से होता हुआ दिखाई देगा लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग रूलर जाते हैं या रूलर का ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर रिलीजन की तरफ या किसी दूसरी तरफ बढ़ता है तो वहां पर धीरे धीरे एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी मैगस्थनीज मैगस्थनीज है Magistines जो है जो मैंने आपको बताया था किसके टाइम पर आए थे इंडिया में याद करेगा आज एमसीक्यूज भी है इसके ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिका ठीक है बेसिकली ही वॉज द एम्बेसिडर ऑफ सेलुकस ही वॉज द एम्बेसिडर ऑफ सेलुकस हाथ में भी देखेंगे तो, तो इनका काम होता था चीजों को जैसे हम आज क्या करते हैं आज काफी सारे लोग आप देखेंगे कि फ्यूचर के लिए पहले से वीडियो वगैरह आपने बना के रखते हैं कि हो सकता है दस पंद्रह साल के बाद मैं अपने इन videos को वापस देखूँ या फिर देखें पूरा यूट्यूब जो है वो भी इसी चीज का एक जो एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज लोकेशन जो बन चुका है कोई भी आपको दस साल पंद्रह साल पुरानी चीज देखनी हो आप इस इसमें देख सकते हैं तो यहां पर तब तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो चीजों को लिखा जाता था ताकि जो नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करी जा सके ट्रांसफर करी जा सके नाउ मॉरिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर इट वॉज एन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि किंग है कोई पार्लियामेंट तो है नहीं कोई यहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं तो ऑटोक्रेटिक टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी की पूरी जो पावर थी

एक लोकेशन थी वो एक प्रिंस को दी गई थी ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए और फ्यूचर में कौन किंग बनेगा ये भी पता चल जाए सेपरेट अरेंजमेंट्स जो थे वो बनाए गए थे रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे आज भी देखेंगे आप सेवेंटी थर्ड उट कमेटी तो यहाँ पे जो कैपिटल है जैसे आज भी डेली है हमारा उसको चलाने के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है तो तब भी यहां पर पाटलिपुत्र को चलाने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की बात करी गई थी नाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं यहां पर आपको दिखाई देगा म्युनिसिपल सिस्टम जो था वो बनाया गया था और उससे आपकी सिटीज को गवर्न किया जाता था जैसे म्युनिसिपैलिटी आज भी होती है ना तो यहां पर भी सिस्टम आपका करता था ठीक है तो म्युनिसिपल सिस्टम एग्जिस्ट करता था सिटी काउंसिल वॉज मेड सिटी काउंसिल बनाई गई थी थर्टी कमिश्नर्स थे उसके अंदर और वो सिक्स कमिटीज के अंदर डिवाइड थे तो बेसिकली यहां पर आपके टाउन्स को चलाने के लिए हेड हुआ करते थे जिसका नाम हुआ करता था नागरिका विलेज के हेड होते थे जिनको कहा जाता था ग्रामिका तो बेसिकली सिटीज को रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज को चलाने के लिए सिस्टम यहां पर बनाया गया था जिस तरीके का एडवांस सिस्टम इवन आज भी आप देखते हैं तो आपकी म्यूनिसिपल सिस्टम थे सिटी काउंसिल थे नागरिका ऑफिसर्स थे और ग्रामिका ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते थे ठीक है आर्मी मिलिट्री कैसी होगी डेफिनेटली इतनी बड़ी एंपायर को चलाने के लिए तो आपको स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत होगी दैट वॉज बेसिकली द स्ट्राइकिंग फीचर ये क्या था आपका स्ट्राइकिंग फीचर था ह्यूज आर्मी यहां पर मेंटेन करी गई थी यहां पर क्या एसपीना सिस्टम था क्या होता है एसपिनो सिस्टम बताइए एसपीना सिस्टम क्या होता है किसी ने अजीत डोबाल जी का नाम लिखा था काफी सीनियर सिविल सर्वेंट है अभी एनएसए है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एसपिनार सिस्टम क्या होता है सिस्टम भावना कह रहे हैं अनुराग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है क्या अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल ठीक है अभी भी काफी सारे स्पाइज ऐसे होंगे जो इंडिया के हैं एंड डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज के अंदर होंगे और दूसरी कंट्री के हमारे यहाँ पे होंगे और हमें पता भी नहीं होगा ठीक है सो एस्पिना सिस्टम था जिससे कि जो आपके एनिमीज हैं उनको लेकर इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती थी कि वो कब अटैक करने वाले हैं कैसे करने वाले क्या प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आप इन एडवांस जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सके ठीक है आर्मी की बात करें तो यहां पर आपकी आर्मी

उस टाइम पर आर्मी नेवी कैवलरी एलिफेंट्स इस तरीके से डिवीजन आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलिए पर कुछ नाम भी बता देता हूं तो यहाँ पर मिनिस्टर्स जो है उनको मंत्री कहा जा, कहा जाता जाता था था प्रीस्ट को सेनापति दैट वाज़ द कमांडर इन चीफ और क्राउन प्रिंस को युवराज कहा जाता था यह चीज ध्यान रखिएगा नाउ टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें वैसे मैं आपको दिखाई चुका हूँ ये एरिया छोड़कर ये साउथ का एरिया छोड़कर बाकी पूरा का पूरा एरिया ये पाला वाला एरिया भी और ये आपका नॉर्थ वेस्ट भी क्यों क्योंकि तो थे नहीं पाटलिपुत्र तो पूरा पूरा, कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाता था ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से हो जाता था क्यों क्योंकि रिवर आपकी जा ही रही थी यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं ज्योग्राफिकल एडवांटेज में क्या था तो यही गंगा बेसिन ये जोग्राफिक जोग्राफिकल एडवांटेज है दूसरी ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्या थी यहां पर आयरन और के बनाना आसान हो गया डेंस फॉरेस्ट यहां पर है हुआ करता था बेसिकली डेंस फॉरेस्ट से आपको गुड क्वालिटी वुड मिल जाती थी जिसकी आप नाव बना सकते थे और इस वुड से आपकी नेवी जो नाव बनाई जाती थी बोट उससे आपकी नेवी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी ठीक है फिर यहाँ पे सॉइल की क्वालिटी काफी अच्छी थी तो एग्रीकल्चर भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते थे ठीक है नाव इकोनॉमी किस तरीके की थी क्या लगता है आपको यहां पर क्या टैक्सेस होंगे बाटर सिस्टम होगा क्या होगा क्या व्हाट डू यू थिंक टोटल डोमिनेशन अनुराग कह रहे हैं बिल्कुल टोटल डोमिनेशन था तभी तो इतने बड़े लेवल के ऊपर वो रूल कर पाए और ये नेक्स्ट तरीके का डॉमिनेशन डौ, आपको अब औरंगजेब के टाइम पर ही दिखाई देगा क्योंकि इतना बड़ा डोमिनेशन या इतने बड़े लेवल पे रूल करना इतनी बड़ी टेरिटरी पे रूल करना ईजी नहीं होता है टैक्स सिस्टम राजेंद्र कह रहे हैं श्रीपु कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट दैट वैर फ्रॉम वन फोर्थ टू वन सिक्स तो एक चौथाई से वन सिक्स तक टैक्स जो था वो फार्मर से लिया जाता था डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड उनकी लैंड की क्वालिटी देखी जाती थी प्रोडक्शन देखा जाता था उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था ठीक है स्टेट जो था वो सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था क्योंकि राजा के हाथ में ही होगा स्टेट के पास क्या मनोपली थी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मनोपली तो राज्य के पास ही होगी तो जो स्टेट होगा दैट इज पूरी एम्पायर जो थी उसमें रूलर मनोपली इंजॉय करते थे जैसे कि आर्म्स कौन मैन्युफैक्चर करेगा प्राइवेट प्लेयर

और इससे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंप्रूव हुआ और इकोनॉमिक सिस्टम भी इंप्रूव हुआ उन्होंने यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष रखे अध्यक्ष सत्ताईस अध्यक्ष जिसको कि सुप्रिंटेंडेंट कहा जाता है तो सत्ताईस सुप्रिंटेंडेंट जो थे वो यहां पर रखे गए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज राज्य के अंदर सही तरीके से मैनेज करी जा सके ना मोरियन एम्पायर यहां पर क्या आपको सिलेबस मिलेंगे यस yes, स्लीव्स का भी इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर एरिया के अंदर स्लेब्स को एग्रीकल्चर एरिया के अंदर यूज किया जाता था तो स्लेब सिस्टम या स्लेवरी सिस्टम जो था वो भी यहां पर एग्जिस्ट करता था ये मत सोचिएगा नहीं करता था यहां पर इसके अलावा एक ऑफिसर थे जिनका नाम था समर्थ ये कौन हुआ करते थे क्या लगता है ही वॉज द चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी कौन थे चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी तो पूरा जो ट्रेजर होता होता था था वो इनके पास जो पूरा भी मतलब कह सकते हैं कि खजाना मान लीजिए आप उसको या पैसा मान लीजिए जो भी स्टेट का हुआ करता था इनके पास हुआ करता था उस वक्त कॉइन्स भी आए काफी सारे पंच मार्क कॉइन्स जो थे वो निकाले और कॉइन्स के ऊपर अलग अलग इमेजेस बनी होती थी पीकॉक बना होता था ठीक है क्रेजेंट बना होता था इस तरीके से आपका क्रेजेंट का जो सिंबल होता है आपका और साथ ही साथ हिल बना होता था हिल की इमेज दिखाने की कोशिश करी तो इस तरीके के आपके जो करेंसी के आप कह सकते हैं थे वो भी भी आपको देखने को को मिलेंगे आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर देख लेते हैं तो यहां पर पर तो स्कूल ऑफ काफी बढ़ावा मिला आपने देखा कि अशोका के टाइम पर भी जो बुद्धिज्म है उनको काफी ज्यादा पैटर्नाइजेशन यहां पर किया गया यहाँ पे देखेंगे आपका पिलर जो है वो दिखाई देगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैसे पिलर्स के बारे में भी इस पार्ट को क्या कहते हैं याद है आपको इस पार्ट को क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं नीचे तो आपका क्या होगा नीचे तो आपका पिलर हो जाएगा बताइए अगर आपको याद है ये नाम आई होप आप रिवाइज कर रहे होंगे क्या कहते हैं जीतल टका लिखा है ओके कोइंस के कंसर्निंग में आई कह सकते हैं हाँ आई कह सकते हैं बताइए कोई भी आंसर नहीं आ रहा मेरे पास अभी ऐसा क्यों याद करिए मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कैपिटल याद आया कुछ अनुर नो आइडिया आई थिंक सेकेंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर के अंदर मैंने बताया था याद करिए मैंने आपको बताया था कैपिटल होता है एबकस होता है बेस होता है और कैपिटल एनिमल होता है बताया था ना ये आपका नीचे तो पिलर हो जाएगा दिस इज कैपिटल जो बताया था कि लोटस शेप होता है या फिर बेल शेप हो सकता है ठीक है ये आपका बेस हो गया ठीक है एबकस और फिर आपका ये कैपिटल का एनिमल हो गया इस पर अलग अलग एनिमल्स बनाए जा सकते थे ठीक है तो बेसिकली आपका कैपिटल एनिमल है आपका एबकस है और आपका नीचे कैपिटल और उसके नीचे क्या है पिलर आप मत भूलिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा चलिए इसके अलावा हमने नेक्स्ट डिस्कशन करना है वो है कि वीमेन का स्टेटस क्या लगता है आपको और सोसाइटी एट लार्ज भी आप यहां पर देखेंगे सोसाइटी किस तरीके की थी क्या लगता है सोसाइटी किस तरीके की थी देखिए मेटीरियल कल्चर पूरी तरीके से फैल रहा था क्योंकि देखिए जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ना तो मेटीरियल मेटीरियल कल्चर स्प्रेड कर रहा था मिशनरी एक्टिविटीज जो थी वो भी यहां पर स्प्रेड कर रही थी आयरन का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा था सोसाइटी के अंदर और लोगों ने जो राइटिंग है वो भी करनी शुरू कर दी थी प्रेवलेंस ऑफ राइटिंग आपको देखने को मिलेगा कॉइन सिस्टम आपका आ चुका था जो आपकी पोट्री है ब्यूटीफुल पोट्री नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ट वेयर जो है वो भी आपको देखने को मिल रही थी तो सोसाइटी में मैं आपको बता रहा हूँ राइटिंग का प्रचलन था पोट्री आ चुकी थी लोग पोट्री जो थी वो बना रहे थे आयरन का इस्तेमाल वेरियस चीजें बनाने में किया जा रहा था ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको उस टाइम पर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती हैं लेकिन वुमेन की पोजीशन के बारे में जानते हैं वुमेन इन द मॉडर्न डायनेस्टी दे वर कंसिडर सबोर्डिनेट सुपीरियर और इक्वल टू मैन बताइए क्या लगता है आपको अगर हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो क्या पोजीशन होगी मेल मोर देन फीमेल फीमेल मोर देन मेल या इक्वल स्टेटस होगा क्या लगता है वट डू यू थिंक इक्वालिटी कह रहे हैं श्रीपु बिल्कुल ठीक है यहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे जो विमेन है उनका जो स्टेटस है वो सबोर्डिनेट रखा गया था ठीक है मोर देन होना तो वैसे ही नामुमकिन सा लगता है लेकिन इक्वल भी नहीं था ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि सबॉर्डिनेट पोजिशन यहां पर विमेन को दी गई थी ठीक है लेकिन हाँ एक चीज है जस्ट बिकॉज सबॉर्डिनेट पोजिशन दी गई इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था देखिए दो चीजें अलग अलग है मान लीजिए कोई बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ इवन दो सबॉर्डिनेट जो है उससे नीचे है लेकिन फिर भी वो उससे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर सकता है और विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट कर सकता है दोनों ही उसके हाथ में तो यहां पर पहली बात तो सबॉर्डिनेट रखना अपने आप में सही नहीं था वो एक नेगेटिव पॉइंट है क्यों क्योंकि दोनों ही बराबर है कोई बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप तो है नहीं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था लेकिन हाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इवन दो सबॉर्डिनेशन किया गया था उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट तो दी जाती थी ऐसा नहीं कि वहां पर डिसरिस्पेक्ट किया जाए वुमेन को क्या वुमेन को जॉब करना अलाउड था यस जॉब पब्लिक जॉब्स के अंदर वो जा सकते थे एंड मैरिड वुमेन को इवन लैंड ओन करने का भी राइट था ठीक है ध्यान रखिएगा लेकिन हाँ जो जॉब्स थी कुछ जॉब्स तो अच्छी थी जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एरिया के अंदर जॉब मिल जाती थी डेली वेज लेबर की उनको जॉब मिल जाती थी कोर्ट अटेंडेंस के तौर पे उनको जॉब मिल जाती थी लेकिन हाँ कुछ जॉब्स जैसे टेम्पल डांस वगैरह उसको अच्छा नहीं माना जाता था ठीक है ये ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र जो है एक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उन्होंने उसमें भी काफी सारी ये चीजें जो है वो लिखी गई है खैर

एक मेजर रीजन जरूर होता है वो है कि उसके जो आने वाले किंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं ये आपको हर जगह पे दिखाई देगा ठीक है क्योंकि जो आपके किंग्स हैं वो वीक नहीं होंगे तो एम्पायर को चला नहीं पाएंगे होता है ना कि आ, फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं लेकिन आगे जो बेटे हैं वो क्या करते हैं वो वीक होते हैं वीक इन द सेंस कि वो अच्छे से बिजनेस को नहीं चलाते हैं रादर गैम्बलिंग में पड़ जाते हैं या फिर दूसरी ऐसी एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं जिससे उनका फैमिली के द्वारा कमाई गई जो इनकम होती है वो उसको भी खत्म कर देते हैं तो इस तरीके की चीजें आपको यहां पर भी दिखाई देंगी और आगे आने वाले टाइम जितनी भी डायनेस्टी हमारी डिक्लाइन करेंगी मेजर रीजन आपको यही मिलेगा ना यहां पर देखेंगे जब अशोका जाते हैं उनके बाद आते हैं दशरथ मौर्य जो कि अशोका के ग्रैंड होते हैं द एम्पायर लॉस्ट मेनी टेरिटरीज जैसे जैसे एम्पायर वीक होगी तो क्या होगा ये जो पूरा रीजन आपको मैंने दिखाया देखिए एक बार दोबारा से एम्पायर वीक हुई तो यहां पर कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी बताने लगेगा अब किंग इसका कुछ नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि किंग तो वीक है यहां पे बैठा देख रहा है बस ये एरिया कोई और ले जाएगा ये एरिया कोई और ले जाएगा ये एरिया कोई और ले जाएगा और वो बेचारा सिर्फ देखता रह जाएगा वो उतने ही एरिया को कंट्रोल कर पाएगा जितना उसकी यहां पर केपेबिलिटी है और यही चीज हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से डिक्लाइन मोरने एम्पायर का हमें देखने को मिलता है वीक किंग मतलब जो यहाँ पे आने वाले किंग थे वो यहाँ पर वीक थे जो एक मेजर रीजन है इसके अलावा मोरियन एम्पायर के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन ये तो एक रीजन बताया दूसरा रीजन क्या है रिएक्शन क्या लगता है आपको ब्राह्मण्स जो थे थे को पसंद करते बताइए देखिए शुरुआत तो ब्राह्मण से ही होती है पोटिलिया कौन थे ब्राह्मण थे उनके द्वारा पूरी जो ये आपकी एम्पायर है वो अस्तित्व में आती है एग्जिस्टेंस इज वेरी मच लाइक लेड बाय पोटिलिया और द विष्णुगुप्त लेकिन जैसे जैसे देखा कि अशोका जो है उनका झुकाव बुद्धिज्म की तरफ हो रहा है तो ब्राह्मण्स ने जो था ना इस एंपायर को पसंद करना छोड़ दिया क्योंकि अगर आपको याद है कोटिल्या सिर्फ दो तरीके दो तरफ रहे थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया उनको गाइड किया उसके बाद उनके बेटे बिंदुसरा को गाइड किया फिर अशोका वॉज ऑन इज ओन और अशोका जो थे वो बुद्धिज्म के रास्ते पे चलने लगे तो यहां पर जो ब्राह्मण थे उनका डोमिनेशन काफी अच्छा खासा था तो उन्होंने उनको पसंद नहीं किया उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स जो है या ब्राह्मणिज्म जो है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर तीसरा रीजन था इन एम्पायर के डिक्लाइन होने का मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने का वो था फाइनेंशियल क्राइसिस अब देखिए जो किंग है वो कह रहा है कि मैंने कलिंगा के अंदर इतना ब्लड शेड देख लिया कि अब मैं किसी भी टेरिटरी को टेक ओवर नहीं करूंगा जब आप टेक ओवर नहीं करोगे तो दूसरी जो टेरिटरी है उसका लैंड और उसका जो खजाना है जो उसका पूरा का पूरा का ट्रेजरी है वो भी आपको नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल सोर्सेस खत्म होते जाएंगे ठीक है जो टैक्स मिल रहा है बस उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा और जब आप किसी कंट्री को टेक ओवर कर ही नहीं रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं ये आपका एक डाउनफॉल यहां पर उस टाइम के हिसाब से शुरू हो जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे थे वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। बहुत ज्यादा पैसा जो अशोक थे वो बुद्धिस्ट मंगस को दे रहे थे बुद्धिज्म के लिए दे रहे थे जिससे कि जो पैसा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जरूरत थी वो उनके लिए बची नहीं पा रहा था फिर एक टाइम ये भी आता है कि आगे के जो रूलर्स होते हैं वो ओप्रेसिव होते हैं काफी और लोग भी उनको पसंद नहीं करते ठीक है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था ये जो था ये एक डेंजरस एरिया बनता जा रहा था क्योंकि काफी सारे नए नए रूलर्स यहां से इंडिया में आ रहे थे वो कोशिश करते थे ऊपर जाने की लेकिन यहाँ तो वॉल ऑफ चाइना की जगह बसती है तो, तो खुद ही आ रहा है तो पीछे तो जाएगा नहीं या तो ऊपर जाएगा ऊपर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वहां पर वो पास नहीं कर सकता नीचे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ सी है तो बाकी बचा हुआ रास्ता जो है वो इंडिया ही बचता है तो इंडिया के अंदर काफी सारे रूलर्स जो हैं ग्रीक्स चाकस वगैरह आना शुरू करते हैं और इस वजह से धीरे धीरे एम्पायर और भी डिक्लाइन होती है ठीक है और आखिरकार यहां पर जो आपके पुष्यामित्र शुंगा है पुष्यामित्र शुंगा पूरे तरीके से मॉरन एम्पायर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अराउंड वन एटी के अंदर पुष्यामित्र शुंगा जो है ये ब्राह्मण वन से ही आते हैं। तो को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और इनका कहना यही था कि ब्राह्मण को सही ट्रीटमेंट जो है मोरियंस नहीं दे रहे हैं इसी वजह से हम लोग खुद ही पर रूल करेंगे ऐसा भी माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा जो है जब ये रूल करने आए क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा था कि जो मोरियंस है खासतौर पर अशोका वो क्या कर रहे हैं वो बुद्धिज्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे इन कंपेरिजन टू ब्राह्मणिज्म तो इन्होंने क्या किया इन्होंने इवन ये भी माना जाता है कि दो मत हैं यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि इन्होंने जो बुद्धिस्ट मंग्स थे उनको एग्जीक्यूट परसिक्यूट करना भी शुरू कर दिया था ठीक है चलिए खैर ये तो बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा ही लेकिन हाँ कैसे डाउनफॉल हुआ कैसी नई डायनेस्टी आती है वो मैंने आपको यहां पर बता दी ठीक है चलिए जल्दी से एक बार हम पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये दस एम जो हैं दस एरियाज के ऊपर पीरियड को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं चलिए रिवीजन पे चलते मिनट अंदर रिवाइज करेंगे सारा रीड करता मॉरियन एम्पायर ने किसको हटाकर अपनी जो सत्ता थी उसको एस्टेब्लिश किया था बताए श्रीपु भावना अनुराग राजेंद्र सोनू मिश्रा बताइए यहां पर कोटिलिया ने हेल्प करी चंद्रगुप्त मौर्य की और नंदा डायनेस्टी जैसे श्रीपुरी ने यहाँ पे आंसर किया बिल्कुल ठीक है उनको हटाकर अपना जो यहाँ पर अस्तित्व था उसे वो लेकर आए थे फिर हमने देखा मॉरन डाइनेस्टी के बारे में मोरन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे सीबीए की फुल फॉर्म बताइए मुझे सी स्टैंड वॉट बी स्टैंड फॉर वॉट ए स्टैंड फॉर वॉट चंद्रगुप्त बिंदुसरा एंड अशोका ठीक है सीबीए को याद रखिएगा बाकी सब चीजें याद हो जाएंगी चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं धनानंद को डिफीट करते हैं तो यहां पर उनका रूल कहां से कहां तक होता है बताएं। उनका रूल कहां से कहां तक होता है बताइए किस किस एरिया में रूल कर रहे थे चंद्रगुप्त बिंदुसरा अशोक भावना ने करेक्ट आंसर किया अनुराग का भी आंसर करेक्ट है तो यहां पर पाकिस्तान रीजन अफगानिस्तान इंडिया रीजन ध्यान रखिएगा चाणक्य जो है मेजर रीजन बनते हैं उनके यहां पर इस सत्ता को लेने के लिए ठीक है ये बेसिकली द एडवाइजर ऑल्सो जूरिस्ट थे इकोनॉमिस्ट थे फिलोसोफर इंडियन टीचर क्या नहीं थे वो ठीक है फिर बिंदुसरा को भी वो सपोर्ट करते लेकिन बिंदुसरा फाइनली आजीविका सेट के अंदर उसको अपनाते हैं अशोक के बारे में डिस्कशन किया था अलग ही लाइन पे चल पड़ते हैं और यहां पर बुद्धिज्म जो है इवेंचुअली उसको अपनाते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है जिससे कि फाइनली डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा इनके पिलर्स जो हैं धमा के पिलर्स वो आपको काफी जगहों पर देखने को मिलेंगे प्रकृत के अंदर लिखे गए और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है यहां पर भी हमने मैप देखा था साउथ इंडिया को छोड़ दिया गया था ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे थे देन हमने यहां पर देखा ऑर्गेनाइजेशन की बात करी तो यहां पर जो लिखी थी चंद्रगुप्त के टाइम पर मेन तो, तो हो गए रूलर लेकिन डिफरेंट प्रिंसेस जो है वो अलग अलग जगहों को मैनेज करते हैं ठीक है चलिए यहां पर अनुराग ने करेक्ट आंसर किया है शिपुरी ने करेक्ट आंसर किया है ओके इसके अलावा ओके okay, ठीक है राजेंद्र का भी आंसर करेक्ट हो जाता है फिर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी अलग अलग मंत्रियों के नाम मैंने आपको बताया नागरिका होते थे ग्रामिका होते थे सिटी काउंसिल थी और म्यूनिसिपल सिस्टम था क्या एयरफोर्स थी यहाँ पर यस और नो आंसर करिएगा एसपीना सिस्टम तो था आर्मी भी थी नेवी भी थी कैवलरी भी थी एलिफेंट्स भी थे चैरियट्स भी थे और इसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हमने देखा इकोनॉमी के अंदर आपके सिक्के भी यूज किए जाते थे बाटा सिस्टम नहीं था पर यह ध्यान रखिएगा को इकट्ठा किया जाता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी इसी वजह से आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ब्राह्मणिज्म जो थे पुष्यमित्र शुंगा वो इनको हटा देंगे क्योंकि उनको समझ में आएगा कि नहीं ये ब्राह्मणिज्म को उतना ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट्स भी आपको दिखाए थे बुल कैपिटल रामपुर के और आप लोगों ने नो no आंसर किया है क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है है ठीक फिर हमने से आगे बढ़ते हुए सोसाइटी के बारे में डिस्कशन किया था सोसाइटी ड्यूरिंग द मॉर्न पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था वुमेन के स्टैचर के बारे में देखा इक्वल नहीं था लेकिन रिस्पेक्ट दी जाती थी जॉब करने का राइट right उनको दिया गया था यहाँ पर और इसके बाद अलग अलग ऑक्यूपेशन जो थे वो देखे थे फाइनली का डिक्लाइन क्यों होता है सबसे बड़ा रीजन तो यही कि वहां पर जो किंग है वो वीक किंग हो जाते हैं ब्राह्मणिज्म को भी उनके ऊपर शक होने लगता है फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं क्योंकि सारा पैसा जो है बुद्धिज्म के ऊपर खर्च कर दिया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा गया था आगे वाले रूलर्स ओप्रेसिव होते हैं इस वजह से जनता भी उनको पसंद नहीं करती और नॉर्थ वेस्ट का खतरा बढ़ता जाता है जिसको कि रूलर्स अभी तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे और फाइनली पुष्यमित्र शुंगा जो है यहाँ पर टेक ओवर कर लेते हैं नाउ जल्दी से यहां पर एमसी हम डिस्कस करेंगे दस में से कितना स्कोर करने वाले हैं अपना टारगेट जरूर सेट करके बताएं कट ऑफ सिक्स और मोर यहां पर रखी गई है मतलब से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन बताएं, कितना टारगेट सेट कर रहे हैं फिर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे भावना ने टेन ऑन टेन कहा है ओके बाकी लोग बताइए राजेंद्र एट कह रहे हैं अनुराग सेवन कह रहे हैं ओके चलिए ठीक है यहां पर शुरुआत करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉरन पीरियड आपसे पूछे मॉरियन पीरियड के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है इट वॉज आफ्टर रिमूविंग नंदा डायनेस्टी हो सकता है 322 सौ बीसी में बनाया गया था और क्या विष्णुगुप्त ने नंदा रूलर्स की हेल्प करी थी 10 सेकंड का टाइम आपके पास है अभी क्वेश्चन इजी लग सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने ताजा ताजा लेक्चर जो है वो किया है लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ महीने के बाद यही क्वेश्चन जो आज बहुत ईजी लग रहा है वो आपसे आंसर ना हो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर भावना डी कह रहे हैं अनुराग राजेंद्र भी डी कह रहे हैं और ए भी आंसर आया मेरे पास ओके तभी मैं कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से पढ़े देखो यहां पे सिर्फ श्रीपु ने करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल ध्यान से पढ़े पहली दो स्टेटमेंट ठीक हो गई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया यूपीएससी ने क्या किया घुमा दिया आपको विष्णुगुप्त ने क्या नंदा रूलर्स हेल्प करी थी अरे भाई नंदा रूलर्स के अगेंस्ट में हेल्प करी थी क्योंकि हेल्प तो किसकी करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी स्टेटमेंट ठीक होगी इसके लिए आपको माइनस टू देना पड़ेगा क्यों क्योंकि आते हुए आपने क्वेश्चन को गलत किया ठीक है कितने लोगों की गलती है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी में गलती करी गई है नंद शासकों की मदद नहीं की उन्होंने रादर नंद शासकों के अगेंस्ट में या नंदा रूलर्स के अगेंस्ट में ही बेसिकली सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य बिकॉज ही रूलर्स याद आया आपको जो आपके धनानंद थे उन्होंने तो बेजती करी थी

बद्र बहु वाजिस टीचर उनके टीचर का नाम था बद्र बहु बताइए क्या आंसर होगा बिल्कुल ध्यान से पढ़े अनुराग कह रहे हैं फ्लो में गलत बिल्कुल ध्यान से पढ़े ध्यान से पढ़ते हुए फ्लो में चलिए जैनिज्म आजीविका बुद्धिज्म याद करिए सी बी ए जैब शिपुरी ने ए आंसर किया है बाकी लोग बताए क्या आंसर होगा नो आइडिया अबाउट थ्री ओके राजेंद्र कह रहे ओनली टू ओके एंड देखिए मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे क्या डेमोक्रेसी को रूल कर रहे थे मैंने तो नहीं ऐसा नहीं बताया मैंने क्या कहा था ओटोक्रेसी थी तो मतलब एक जो था, वो यहाँ गया था, पहली रास्ते थे, वो इनके टीचर थे है, ये अभी आपको मिल गई करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाने का रीजन यही था क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है तो मतलब आपको यहां सोचना चाहिए था देखो बी और सी तो आंसर हो नहीं सकता है आंसर या तो ए होगा या डी होगा तो ऐसी में मत करिएगा क्योंकि यहां पर 50 चांसेस आपके क्वेश्चन के के आंसर तक पहुंचने के हो जाते हैं काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा देखिए बहुत कम शायद 15 से 20 क्वेश्चन भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं ऐसे होंगे जिसमें आपको पक्का पता होगा कि इसका आंसर ए है बी है सी है डी है कर दीजिए मार्क लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है फिफ्टी के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दो में से एक को चूज करना पड़ेगा अगर आप इस

इस दस मार्क्सू टू और वन का आपका माइनस होता है सेवन हो जाएंगे हंड्रेड एंड थर्टीन का स्कोर तब भी बन रहा है मैंने यहां पे एक्यूरेसी काफी ज्यादा ली है अगर आप इस एक्यूरेसी को कम कर दे थोड़ा सा कैलकुलेशन में करके दिखाता हूं दैट वाई यू नीड टू आंसर सच क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके बीस गलत हो गए तीस आपके सही हो गए ये एक

मतलब जिसमें से एबीसीडी में से आप सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाए हो सकता है कई बार आपको वहां से भी आंसर एजुकेटेड के तौर पर चूज करना पड़े नहीं तो क्या होगा पचास क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे बीस ये बाकी तीस क्वेश्चन क्या छोड़ देंगे आंसर इज नो डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि सत्तर क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी इतनी है कि आपका सो का स्कोर पहुंच जाएगा तब आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाता है सत्तर क्वेश्चन मतलब करने के बाद सो का स्कोर को क्रॉस करना तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको इवन जिसमें तीन को लेकर आपको डाउट है ना कई बार वो क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ते हैं लेकिन वहां पर आपका एजुकेटेड कैसा काम आता है ठीक है ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं मैं आपको बताऊंगा जब हम Prelims के पास धीरे धीरे प्रलेंगे क्योंकि मुझे भी मतलब प्रिलिम्स में आप मान सकते हैं कि स्कोर करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होती थी लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज जो थी वो डेवलप करी जिसके बाद चीजें आसान हो गई खैर यहां पर आंसर क्या होगा दो वाले को तो वैसे ही मत छोड़िएगा अनलेस देखिए अगर किसी ने सो में से साठ क्वेश्चन कोई कहता है कि मैंने हंड्रेड एक्यूरेसी से सोल्व कर लिए और इन चालीस क्वेश्चन में मेरे को दो में से एक में डाउट है तो तो मैं कहूंगा कि फिर इस एरिया में तो सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे ही नहीं कि जिसको सो में से साठ क्वेश्चन एक्जैक्टली हंड्रेड परसेंट एक्ूरेसी के साथ आते हो चाहे कोई टॉपर को भी यहां पर उठा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के पूछे जाते हैं प्रीम्स के अंदर कि वहां पर साठ क्वेश्चन हंड्रेड एक्यूरेसी से आंसर देना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है दिस इज नॉट अ सी सेट पेपर दिस इज अ अस पेपर ठीक है चलिए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर यहां पर डी आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं ज विजिटेड पाटलिपुत्र किस टाइम पर मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को विजिट किया था दस सेकेंड का टाइम आपके पास है सोच के बताइएगा अनुराग कह रहे हैं हाउ टू अप्रोच देन इसके लिए भी अनुराग मैंने एक वीडियो बनाया इस बार जो लोग प्रिलिम्स देने के लिए गए थे उनके लिए वीडियो बनाया था तो आप एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा नहीं तो नेक्स्ट टाइम इसके लिए एक अलग लेक्चर हम बना सकते हैं नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, भाई बहुत ज्यादा मैंने खुद भी कैलकुलेट करी थी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सी चीजें मेरे फेवर में जाती हैं ताकि अगर दस क्वेश्चन भी हैं और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं उसको लेकर तो प्रोबेबिलिटी से मैं दस के दस क्वेश्चन भी सोल्व करू वेदर दैट विल गो इन माई फेवर और नॉट तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी आपको काफी हेल्प करेगी ये बताने में वैसे आप लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर जो कि यहाँ पे चाणक्य को लेकर है पूछा कि चाणक्य को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ही वॉज द एडवाइजर ऑफ बिंदुसरा हो सकते हैं ही ज्यूरिस्ट और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी दस सेकेंड का टाइम है इजी क्वेश्चन है जल्दी से बताएं देखिए वो कौन थे एलिमिनेशन करना Elimination है एलिमिनेशन करिए बताइए क्या लगता है राजेंद्र भावना का पिछला क्वेश्चन ठीक था श्रीपुई ने डी लिखा है यहां पर ओके okay? भी डी अनुराग एडवाइजर थे, थे और बाद में उनके बेटे बिंदुसरा के भी एडवाइजर थे ठीक है ज्यूरिस्ट भी थे बीच में मैंने आपको बताया था वो टीचर भी थे फिलोसोफर भी थे इकोनॉमिस्ट भी थे रॉयल एडवाइजर भी थे तभी एग्जाम में जब आएगा ना लगेगा ज्यूरिस्ट तो नहीं थे वो कहीं पढ़ा नहीं हमने लेकिन वो ज्यूरिस्ट भी थे रोट अर्थशास्त्र इजी था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स अमंगस ये नाम किसको दिया गया था दस सेकंड का टाइम आपके पास है सोच समझ के आंसर करिएगा कौन आए थे 297 नाइनटी बीसी के टाइम पर थ्रोन के ऊपर जिनको ये नाम दिया गया था जिनको कि स्लेयर ऑफ फोर्स भी कहा जाता था और उसी नाम पर उसी मीनिंग पर यह नाम दिया गया था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करें को, कोटिलिया को कहा जाता था बिंदुसरा चंद्रगुप्त या अशोका को क्वेश्चन नंबर सात में जरूर लिखिएगा जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं सो दैट आई अंडरस्टैंड अनुराग ने कहा है फिफ्थ का सी भावना बिंदुसरा कह रहे हैं चलिए यहां पर करेक्ट आंसर आपका है बिंदुसरा ध्यान रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर जो बात कर रहे हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको कहां पे मिलेंगे बताइए तीन देशों के नाम कहा लिखे कहां, कहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं नेपाल में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में यूजुअली एंशियंट हाईवेज जो हुआ करते थे वहां पर ये रखे गए हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा राजेंद्र ने डी लिखा है भावना का भी आंसर डी आया है बिल्कुल ठीक है तीनों जगह पे आपको मिल जाएंगे ठीक है इंडिया हुआ नेपाल हुआ पाकिस्तान हुआ अफगानिस्तान हुआ ये सब जगह पे इवन इंडिया को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे शिफ्टिंग फ्रॉम बैरी टू धाम इसको क्या कहा जाता था मैंने आपको बताया था कि अशोका ने क्या किया था बैरी घोषा से मूव करते हुए धर्म घोषा पे आए थे दस सेकेंड का टाइम आपके पास है जल्दी से आंसर करें करेंट पॉजिटिव पॉलिसी ऑफ वॉर कल्चरल सेवंथ का आंसर क्या होगा भावना ने बी आंसर किया है ओके सेवंथ का अनुराग सेवंथ बी कह रहे हैं बाकी लोग बताएं ठीक है राजेंद्र आपका भी आंसर करेक्ट हो जाता है पॉलिसी ऑफ कल्चरल पी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए जो कि राजू कास को लेकर है राजूकाश राजू कास राजू कास कौन थे दस सेकेंड का टाइम है कंप्लाइंट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर जजेस मिनिस्टर्स बताए राजू कास श्रीपुई ने भी करेक्ट आंसर किया है पिछले क्वेश्चन का बताइए एट का आंसर आ गया है मेरे पास अभी बी दिया है यहां पर राजेंद्र ने शिपोई भावना अनुराग ने बी आंसर किया बिल्कुल ठीक है आपके रेवेन्यू ऑफिसर थे रेवेन्यू ऑफिसर का मैंने नाम आपको कुछ और बताया था याद करिए उनका नाम क्या बताया था राजू कास तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्या बताया था मैंने रेवेन्यू ऑफिसर जिसमें आप आई के बारे में भी बात कर रहे थे राजू का आपके कंप्लाइंट ऑफिसर थे ध्यान रखिएगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को सोसाइटी के अंदर फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा वो सारा काम जो था राजू कास को दिया गया था और यहां पर जो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए मैंने टर्म यूज करी थी जो ट्रेजरी का पूरा काम करते थे एस से नाम था

हिल क्रेसेंट बताएं दस सेकेंड का टाइम शुरू हो चुका है आपका इजी क्वेश्चन वन सेकेंड बताएं भावना ने टेंथ का डी आंसर किया है ओके राजेंद्र श्रीपुई ने भी डी लिखा है

कौन से रिलीजन को चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसरा बिंदुसराशोका ने अपनाया था तीनों नाम बता दीजिए मैगस्थनीस किसके टाइम पे पाटलिपुत्र आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पर ध्यान रखिएगा फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन को चाणक्य को लेकर वो ज्यूरिस्ट भी थे अर्थशास्त्र भी लिखी और बिंदुसरा के एडवाइजर भी थे ठीक है सीवी अनुराग ने करेक्ट आंसर किया राजेंद्र ने जैन लिखा है भावना ने जैनिज्म लिखा है विच इज द करेक्ट आंसर फिर हमने अमित्रो चित्स के बारे में डिस्कशन किया ये नाम जो है बिंदुसरा को दिया गया था ध्यान रखिएगा अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान नेपाल अफगानिस्तान हर जगह आपको दिख जाएंगे ठीक है राजेंद्र ने चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है भावना ने भी CGM लिखा है विच इज द करेक्ट आंसर बेरी गोशा से धर्म गोशा की नीति क्या थी सो इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था राजूकास कौन थे आप बताइए जल्दी से राजू कास कौन थे और रेवेन्यू ऑफिसर दोनों के नाम अलग अलग बताइएगा मुझे मैगस्थीज ने इंडिका लिखी थी ये हमने देख लिया और यहां पर जो पंचमार्क क्वेंस थे उसके ऊपर आपको किसकी इमेजेस दिखाई देगी एंड की ठीक है चलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर जल्दी से हम क्या करेंगे अभी टॉपर्स को देखेंगे अपने स्कोर यहाँ पर शेयर जरूर करिएगा राजू कस कौन थे कंप्लाइंट ऑफिसर थे ध्यान रखिएगा भावना ने लिखा है करेक्ट आंसर यहाँ अनुराग का भी आंसर करेक्ट है और जो आपके समर्थ थे वो कौन थे आपके आईआरएस ऑफिसर्स थे चलिए जल्दी से बताएं यहाँ पर कितना कितना स्कोर किया है शिपुई ने सेवन ऑन टेन किया ओके सेवन ऑन टेन भावना का भी स्कोर है ओके okay. बाकी लोग बताएं माइनस टू हो गया राजेंद्र का नहीं तो टॉपर होते आज सिक्स का स्कोर है अनुराग नायक भी आज पीछे हो गए थोड़ा सा ठीक okay, है तो टॉप पोजीशन पे दो लोग हैं हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टॉपर्स यहाँ पर कोई बात नहीं वो जाता है कई बार यहाँ पर रिवाइज करिएगा दोबारा से सो दिस इज अ लेक्चर अबाउट मॉरन एम्पायर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मोरन एम्पायर के बाद ये जो हमारे पुष्यमित्र मित्र शुंगा आते हैं शुंगा डेनेस्टी आती है और शुंगा डेनेस्टी आएगी तो पूरे मोरन एम्पायर को तो रूल कर नहीं पाएगी मोरन एम्पायर अपने आप में काफी बड़ी थी तो एक छोटे से हिस्से के ऊपर वो रूल करेंगे लेकिन उनके साथ साथ दूसरे रूलर्स होंगे जो आसपास के हिस्सों के ऊपर रूल करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी हम कल मिलने वाले हैं बारह बजे लाइव लेक्चर के अंदर दोपहर को बारह बजे मिलेंगे और वहां पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे हैव टेक केयर, गुड नाइट